हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अगेन रिव्यू करने वाली हूँ मिंत्रा साड़ी की और फ्लिपकार्ट से ली हुई साड़ी की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी वीडियो ज़रूर बनाएँ। तो मैं बात करने जा रही हूँ मेरी फर्स्ट साड़ी की, जो मिमोसा ब्रांड से है। ये मरून एंड पर्पल कलर की कॉम्बिनेशन की साड़ी है। ये कांजीवरम साड़ी है। तो बात करते हैं इसके आंचल से। आंचल पर आप देख सकते हैं ऐसे जरी थ्रेड वर्क का काम है और सिल्वर थ्रेड का काम है इसमें, आप देख सकते हैं। और इस पे काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर दिया गया है इसका, जो कि पर्पल कलर का है। पूरी ही साड़ी रनिंग बेस पे ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं। आपको पूरी ही साड़ी पर इस तरीके के डिज़ाइन मिलेंगे। बात करें साड़ी की फैब्रिक क्वालिटी की, तो काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल दिया गया है फैब्रिक। और बात करते हैं इसके बैक साइड से, तो कुछ थ्रेड निकले हुए हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, पर चुभने वाला तो नहीं है। साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर है। साड़ी पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है और सॉफ्ट है। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये साड़ी का जहाँ से आप टक इन करेंगे वो वाला हिस्सा है। बात करते हैं इसके ब्लाउज़ की, तो ब्लाउज़ इसका पर्पल कलर का दिया गया है। सेम वैसा ही बॉर्डर दिया गया है जैसे पूरी साड़ी में दिया गया है। साड़ी के मैंने ऐसे इस डिज़ाइन में इसे स्टिच करवाया है। बात करते हैं दूसरी साड़ी की, जो कि ये भी मिमोसा ब्रांड की साड़ी है। ये येलो एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी है। आप इसका आँचल देख सकते हैं, पिंक कलर का दिया गया है। आँचल पर इस तरीके से टैसल्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। साड़ी का कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है और इसका भी बॉर्डर आपको काफ़ी ब्रॉड दिया गया है। बॉर्डर पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीकॉक्स बने हुए हैं। और ये आपको पूरे रनिंग बेस पे भी आपको ऐसे पीकॉक और ऐसे राउंड शेप के डिज़ाइन दिए गए हैं। क्वालिटी और डिज़ाइन प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये आप जहाँ से टक इन करेंगे ये वो वाला हिस्सा है। और साड़ी के बैक साइड से भी आप देख सकते हैं इसकी जरी निकले से हैं, बट ये सॉफ्ट है, चुभने वाला नहीं है। साड़ी पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल और इजी पड़ेगा आपको। साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर है। और इसका भी मैंने ब्लाउज़ स्टिच करवा लिया था, पिंक कलर का ब्लाउज़ है। जैसे साड़ी में बॉर्डर दिया गया वैसा इस ब्लाउज़ में भी दिया गया है। और फ्रंट और बैक में इस तरीके के आपको पीकॉक देखने को मिलेंगे जैसे साड़ी में भी दिया गया है। ये देखिए इस तरीके का पीकॉक बना हुआ है छोटे छोटे। बात करते हैं हम तीसरी साड़ी की, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। इसका ब्रांड है शंकु फैशन। ये भी पिंक कलर की साड़ी है और कांजीवरम साड़ी है। बात करते हैं इसके आँचल से, तो आँचल आप इसका देख सकते हैं। इस तरीके का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। टू टोन शेड कलर की ये साड़ी है। हल्का ऑरेंज और पिंक में आपको ये शेड में देखने को मिलेगा। इसका बॉर्डर है, काफ़ी स्मूथ फैब्रिक भी दिया गया है इसका। ये आपका टकिन वाला हिस्सा है जहाँ से आप इसे टकिन करते हैं साड़ी को। पूरी ही साड़ी में ऐसे रनिंग बेस पे इसी तरीके के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। इस तरीके के आपको पूरी ही साड़ी पे इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर है। और इसका ब्लाउज़ एकदम प्लेन दिया गया था, इसे मैंने प्लेन ही स्टिच करवाया है। बात करते हैं हमारी वीडियो की लास्ट साड़ी की।
ये मैंने मिंत्रा से ली थी। इसका ब्रांड है छाबरा 555। पूरी ही साड़ी ग्रे कलर की है, काफ़ी स्टनिंग लुक देता है ये पहनने के बाद। आप इसमें देख सकते हैं जरी एंड सीक्वेंस का काम है, कटवर्क बॉर्डर है इसका। ये पिंक कलर के थ्रेड वर्क के फ्लावर बने हैं इसमें और पूरी ही रनिंग बेस पे आपको सीक्वेंस एंड जरी का काम दिया गया है। तो साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर है और ये इसकी चारों तरफ आपको कटवर्क का बॉर्डर दिया गया है। थ्रेड वर्क से पिंक एंड ग्रीन कलर के फ्लावर बने हैं इसके। साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर है। आप इसे पार्टी में इजीली कैरी कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ नेट है इसका, इसका नेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है इसकी। बात करते हैं इसके ब्लाउज़ की। आपको बैक पे इस तरीके के डिज़ाइन लगाने को दिए गए हैं और ये स्लीव्स पे लगाने के लिए दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट हॉल पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये हॉल वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कोई और साड़ी का वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।